एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे एजुकेशनल थॉट्स के कोर्स बेसिक स्मार्ट मैथ में। कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल इनटू कॉमन को हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं आज सीखेंगे। मगर सीखने से पहले एक रिक्वेस्ट होती है, प्लीज प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। कॉमन फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में और कैसे होता है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, ये छोटी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंस हैं आपके बच्चे के लिए, आपके लिए जो देख भी रहा है, और ये टेस्टों के हवाले से और जो आगे जो है इनकी जो पहाड़ हैं उनके हवाले से ये बेसिक चीजें बहुत जरूरी है। तो 25/10 को हम क्या करेंगे, डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? और वो कैसे होगा आइए देखते हैं। आप 25 को 10 से डिवाइड करें, सिंपल अब बिल्कुल ही सिंपल है। 25 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 की टेबल 25 पर कितनी मतलब 2 टाइम 20 हमारे पास 5 है, ठीक है? अब कोई भी टेबल नहीं लग रही क्योंकि ये बड़ा छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट देखकर यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब 10 की टेबल 50 पर 5 टाइम, ठीक है? तो ये क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर क्या आया, 2.5, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आया, 2.5। बिल्कुल से सिंपल चीज है ये और इम्पोर्टेंस भी है, ठीक है? उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, 235/100। सिंपल तरीका वही यही, ठीक है? 235 को 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो उसकी 100 की टेबल 235 पर 2 टाइम, ठीक है? 235 हमारे पास रिमेनिंग होगा। उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट देकर यहाँ पर 0, ठीक है? 100 की टेबल 350 पर 3 टाइम, ठीक है? 3 टाइम 300, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 50। वही क्या करेंगे, यहाँ पर 0 देंगे, ठीक है? सॉरी, 0 यहाँ देंगे, और 100 की टेबल यहाँ पर कितनी मतलब आ जाएगी, 5 टाइम, ठीक है? 500। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, 2.35। इसका राइट आंसर क्या आया, 2.35। इस तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 23/2, ठीक है? 23/2, अब 23/2 हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 23 से 2 की, 23 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम, ठीक है? तो ये 0, अब 3 नीचे लेके आएंगे, 2 की जो है टेबल्स 3 पर 1 टाइम, 2 यहाँ पर 1 रिमेनिंग। उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट देकर यहाँ पर 0, 2 की टेबल 10 पर 5 टाइम, ठीक है? 0, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 11.5। तो ये हमने अब कन्वर्ट किया कॉमन को डेसिमल में। उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को कॉमन में, बहुत सिंपल तरीका है ये। डेसिमल को कॉमन में किस तरीके से करते हैं, अब थोड़ा ध्यान से याद रखें, ठीक है? थोड़ा देखें, पॉइंट सबसे पहले आप क्या करें, इसको अपान की सूरत में रखना करें, ठीक है? डिनोमिनेटर को मेंशन करें सबसे पहले, पॉइंट हमें क्या करना है, पॉइंट को खत्म करना है। अब पॉइंट पॉइंट का हम क्या करेंगे, 1 लगाएंगे, पॉइंट की राइट हैंड साइड पर, ठीक है? ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है? राइट साइड पर कितने नंबर है, 1 2 3, टोटल कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, ठीक है? तो 3 नंबर हैं, जितने नंबर होंगे उतने 0 देंगे, 3 नंबर हैं तो 3 0, ठीक है? उसके बाद क्या, जस्ट 5 लिख देंगे, ठीक है? क्योंकि 0 की कोई अहमियत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके से इसको देखते हैं, हम सोल्व करते हैं, पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, 2 नंबर है, 2 0, ठीक है? तो मतलब पॉइंट खत्म हो गई, 3 9 9, इसका आंसर ये आया। उसके बाद दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 2.356 इसकी, ठीक है? तो इसकी पॉइंट खत्म करते हैं हम, ठीक है? पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, 3 0 हैं, 3, तो 2356 इसका राइट आंसर ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।